आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की। तो सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टडी करना सिविल इंजीनियरिंग में क्यों जरूरी है और जो जियोलॉजिकल हमारे जो फॉर्मेशंस होती हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है सोइल की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है सिविल हमारे सोइल स्टडी की सिविल इंजीनियरिंग के में, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे सोइल एंड फाउंडेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे सोइल मैकेनिक्स है क्या है, ठीक है जी, सोइल इंजीनियरिंग क्या है और फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंस रहती है। फिर हम ओरिजिन के बारे में जानेंगे, इसकी जो फॉर्मेशन है सोइल की किस तरह से हुई, जो प्रोसेसेस हैं डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन कैसे प्रोसेस कैरी होते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोइल मैकेनिक्स क्या है। सोइल मैकेनिक्स, ठीक है, सोइल मैकेनिक्स क्या है, मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सोइल एंड बिहेवियर एंड इट्स एप्लीकेशन एज एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स क्या रहेगा, मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of soil and its behavior, and its applications as an engineering material. क्या है सोइल मैकेनिक्स में डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ सोइल एंड इट्स बिहेवियर एंड एप्लीकेशन ऑफ द एज एन इंजीनियरिंग मटीरियल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सोइल मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो ये हमारी सोइल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिसमें हम सोइल मैकेनिक्स की बहुत सारी जो एप्लीकेशंस रहती हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ब्रांच है स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सोइल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस जो रहेगी सोइल की, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, हम क्यों स्टडी करते हैं सोइल इंजीनियरिंग को, सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग को, ठीक है। तो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंस रहती है हमारे सोइल इंजीनियरिंग की, ठीक है जी। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल स्टडी, importance of soil studies in civil engineering, और हम बोल सकते हैं applications of soil engineering, ठीक है, तो एप्लीकेशन जहां हमारे पास है इंपोर्टेंस ऑफ सोइल स्टडीज इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है जी। तो बहुत सारी जो एप्लीकेशन है हमारे सोइल इंजीनियरिंग की उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत सारे जो हमारे मेन
ब्रिज बात करें, कलवर्ट्स, रेलवेज, रोड, फाउंड जो हमारे अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं उनकी फाउंडेशन, तो सारी की सारी जो हमारे पास इनकी एप्लीकेशन है वो किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सोयल का होना, उसकी स्टडी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो फाउंडेशन मटेरियल, एज हम फाउंडेशन मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, एज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सोयल को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हैं। अगर एज अ हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल देखें या एज अ फाउंडेशन मटेरियल भी हम इसको यूज करते हैं सोयल, तो क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले अगर हम देखें एप्लीकेशन जो आएगी, जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो हम फाउंडेशन मान के चल रहे हैं, फाउंडेशन मटेरियल मान के चल रहे हैं सोयल को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास जो इंपॉर्टेंस रहेगी सोयल की वो देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सोयल, एप्लीकेशन ऑफ सोयल, एप्लीकेशन ऑफ सोयल एज ए फाउंडेशन मटेरियल, एज ए फाउंडेशन मटेरियल, ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर सोयल की एज ए फाउंडेशन मटेरियल सोयल को हम एप्लीकेट यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो सोयल है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। अगर हम बिल्डिंग को बनाते हैं, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन है तो बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग्स, ठीक है, अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स में एज अ फाउंडेशन मटेरियल हम सोयल को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो बात करें तो बहुत सारी जो टाइप्स की बिल्डिंग रहेंगी वो सपोर्ट किस पे होंगी, सोयल पे ही होंगी, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसी होगी, तो उसका जो लोड है पूरे सुपरस्ट्रक्चर का वो ट्रांसमिट किससे होगा, तो सोयल ही होगा, ठीक है, तो एज अ फाउंडेशन मटेरियल भी हम क्या करते हैं सोयल को एप्लीकेशन है इसकी जो यूज करते हैं, एप्लीकेबल रखते हैं जो हमारी अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास जो जैसे जो हमारी फाउंडेशन है, जब फाउंडेशन मटेरियल की बात करते हैं, ग्रेवल है, सैंड है, स्टिफ क्ले है, या रॉक है, पिट है, या ऑर्गेनिक जो हमारे पास सिल्ट है, तो ये सारी क्या होती हैं, ये जो सोयल है कंप्रेसिबल ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये इनको हम क्या करते हैं थोड़ा निग्लिजिबल रखते हैं इन सोयल्स को, तो जहाँ पे जिस एरिया में सोयल क्या है हार्ड है, बिल्कुल स्टिफ सोयल है, तो वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन करेंगे, तो एज अ फाउंडेशन मटेरियल भी तो यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर जहाँ पे लूज सोयल है, जहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, बेयरिंग कैपेसिटी लो है जहाँ जिस एरिया में, तो वो सोयल क्या होगी, बेयरिंग कैपेसिटी लो वाली होगी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं डी फाउंडेशन रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स को के लिए भी हमारी जो इम्पोर्टेंस है सोयल स्टडी की वो बहुत जाती है, हमारे फाउंडेशन एज अ फाउंडेशन मटेरियल, क्योंकि हर एक बिल्डिंग जो सपोर्ट कर रही है वो सोयल पे ही कर रही है, ठीक है, तो टाइप ऑफ फाउंडेशन अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी सोयल पे ही डिपेंड करते हैं, तो इम्पोर्टेंस जो है सोयल स्टडी की बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, तो एज अ फाउंडेशन मटेरियल हम देखते हैं, तो अगर और जो हमारे रोड है, ठीक है जी, तो रोड्स भी तो हम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं रोड्स की, तो रोड्स जो हम बनाते हैं तो इसके लिए भी एक जो सोयल का एक स्टिफ सरफेस चाहिए, जिसको हम सब ग्रेड नाम देते हैं, ठीक है, तो सब ग्रेड हम तैयार करते हैं, तो सब ग्रेड के ऊपर हमारे जो कोर्स रहते हैं, वेयरिंग कोर्स है, हमारे जो सब बेस कोर्स रहते हैं, बेस कोर्स है, सब ग्रेड है, फिर उसके बाद हम वेयरिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पेवमेंट्स बन जाती है, हमारे रोड बन जाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है रोड एज अ फाउंडेशन मटेरियल, रोड के लिए भी एज अ फाउंडेशन मटेरियल हम क्या यूज करते हैं सोयल को ही तो यूज करते हैं, तो इसके लिए हमारी जो सोयल स्टडी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो किसी भी फाउंडेशन मटेरियल में अगर कंस्ट्रक्शन अगर रोड की करनी है तो उसके लिए हम सब ग्रेड बनाते हैं, तो सब ग्रेड सोयल का ही बनेगा, ठीक है, तो ये सब ग्रेड लेयर जो है कि इसमें क्रस्ट वगैरह जो हम यूज करते हैं, जो हमारी रोड है वो अच्छी बन सकती है, तो इसकी रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी जो सोयल स्टडी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वो अदर स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे जो अदर स्ट्रक्चर हैं, अगर हम बात करें अदर स्ट्रक्चर्स की, तो बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स भी यूज करते हैं हम, अदर स्ट्रक्चर्स, तो अदर स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं, तो सोयल इज यूज्ड एज अ फाउंडेशन मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक डैम, अगर अदर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं
उनको भी बनाने में जो हमारे उनकी जो एज अ फाउंडेशन मटेरियल हम यूज करने के लिए सोइल का ही तो यूज होता है, ठीक है, तो सोइल पे ही तो सारी चीजें रेस्ट करती हैं। तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर है, लाइक डैम की बात करता हूं मैं, तो डैम, ब्रिजेस, डैम हो गया, ब्रिज, कलवर्ट्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, कलवर्ट्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे इस पे है हमारे सोइल की एज अ फाउंडेशन मटेरियल, इनके लिए भी हम एज अ फाउंडेशन मटेरियल सोइल यूज करते हैं, तो उसके लिए जो उसकी स्टडी है बहुत ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द सोइल इन टर्म्स ऑफ सेफ सेटलमेंट एंड सेफ बेरिंग प्रेशर मस्ट बी स्टडीड प्रॉपरली टू डिजाइन दीज स्ट्रक्चर्स एंड जो हमारे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रखनी है तो उसके लिए हमारी जो बहुत सारी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहती हैं सोइल की, उसकी स्टडी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो इसलिए जो सोइल की इंपॉर्टेंस है, स्टडी की इंपॉर्टेंस है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ओके। तो अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल देखें, तो एप्लीकेशन ऑफ एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सोइल एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज कर लेंगे सोइल को, ठीक है। तो एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते हैं तो जैसे अर्थन डैम है, तो अर्थन डैम में हम सारी की सारी सोइल को यूज करते हैं, तो अगर अच्छी सोइल है तो हम वहां पे अर्थन डैम हमारा जो यूज होता है, ठीक है। तो अर्थन डैम के केस में अगर हम बात करें अर्थन डैम्स, तो सारी की सारी जो सोइल है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज कर रहे हैं सोइल को, तो सोइल की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज, उसकी जो जितनी भी फिजिकल नेचर रहती है, किस तरह की है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है सिविल इंजीनियरिंग में, ओके। तो अगर हम बात करें अर्थ डैम आर ह्यूज स्ट्रक्चर इन विच ऑल विच सोइल इज यूज एज ए कंस्ट्रक्शन मटीरियल, दिस टाइप ऑफ डैम्स, जो डैम्स हैं हमारे अर्थन डैम्स हैं, इसको हमारे जो वाटर रिजर्वायर हम क्रिएट करते हैं इनमें से, तो सोइल की स्टडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस टाइप की सोइल पे हमने अर्थन डैम को कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इम्बैंकमेंट्स की, तो इम्बैंकमेंट्स भी पूरी की पूरी क्या है, सोइल्स की बनी होती हैं इम्बैंकमेंट्स, तो इम्बैंकमेंट्स की बात करते हैं, तो इम्बैंकमेंट्स जो हम एज अ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हम इम्बैंकमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोइल को ही एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल हम यूज करते हैं, ओके। तो इम्बैंकमेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इम्बैंकमेंट सोइल इज यूज्ड एज अ फिलिंग मटीरियल, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल, दिस टाइप ऑफ अर्थ फिलिंग इम्बैंकमेंट्स शुड बी डिजाइंड विद प्रॉपर केयर सो दैट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सोइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू कॉज इनस्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, यानी कि जो हमारे इम्बैंकमेंट्स हैं उनको एक प्रॉपरली डिजाइन करने के लिए हमारे पास जो सोइल स्टडी है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो स्लोप की स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए हमें उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी शियर स्ट्रेंथ है, या उसकी बेरिंग कैपेसिटी है, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ठीक है। तो उसके बाद और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं, अगर हम बात करें ब्रिक्स के लिए, तो ब्रिक्स भी हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल सोइल भी यूज करते हैं ब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो ब्रिक्स को बनाने के लिए भी एक मोल्डेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारी जो क्ले सोइल होती है, ठीक है, तो मोल्डेड फॉर्म होती है, फॉर्म में हम उस क्ले को क्या करते हैं, अच्छे से हम नीडिंग वगैरह जो प्रोसेस रहते हैं ब्रिक बनाने के, ठीक है, वो यूज करते हुए हम क्या करते हैं ब्रिक्स को बनाते हैं किलन में एक हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर पे हम किलन की हेल्प से हम क्या करते हैं, वो मोल्डेड ब्रिक होती है, जो क्ले ब्रिक होती है उसको हम क्या करते हैं प्रॉपर शेप में हम उसको एक किलन की हेल्प से हम क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे ब्रिक्स भी बनाते हैं, किससे, सोइल से, ठीक है। तो सोइल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर हैं जो हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल जहाँ पे हम क्या करते हैं हमारी सोइल को यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल
मटेरियल सोइल के अदर स्ट्रक्चर कौन कौन से रहेंगे, अदर स्ट्रक्चर्स एज अ जहाँ पे हमारा जो सोइल है वो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सोइल जो है बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बैकफिल है, अगर हम रिटेनिंग वॉल यूज कर रहे हैं तो बैकफिल इनके लिए भी हम क्या करते हैं, सोइल का ही यूज करते हैं। तो सोइल प्ले अ वेरी मेजर एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर लाइक रिटेनिंग वॉल, बल्क हेड्स, ठीक है। तो बहुत सारी जो अगर हम बात करें रिटेनिंग वॉल्स की, रिटेनिंग वॉल, बल्क हेड्स, ठीक है, बल्क हेड्स, तो ये जो हमारे अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जो इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो सोइल है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट और मेजर रोल है हमारे सोइल का, सोइल स्टडी का इन द सिविल इंजीनियरिंग, ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारी सोइल है, सोइल का ओरिजन कैसे हुआ है, इसका ओरिजन क्या है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओरिजन के बारे में जानते हैं, जो सोइल की फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कैसे हुई है और क्या इनके प्रोसेसेस रहते हैं हमारी सोइल इंजीनियरिंग सोइल के ओरिजन के, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारी फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं इसकी कैसे हुई है सोइल की, ठीक है। तो इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोइल, हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ सोइल्स। फॉर्मेशन ऑफ सोइल से आप क्या समझते हैं, यानी कि सोइल आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, ठीक है। तो सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई है, पेरेंट रॉक के वेदरिंग की वजह से, ठीक है। तो कैसे वेदरिंग कैसे हुई है ये भी हमें जानना जरूरी है। एक पेरेंट रॉक है कि जहाँ से हमारे अगर मान लीजिए बहुत सारे जो डिसइंटीग्रेशन होती हैं, डिकम्पोजिशन होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे 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 बहुत टाइम लगता है इस जो फॉर्मेशन होती है जो सोइल की, बहुत सारे जो इफेक्ट हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट होने की वजह से हमारी जो एक पेरेंट रॉक से जब वेदरिंग शुरू हो जाती है, प्रोसेस शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं, सोइल आर फॉर्म्ड बाय, सोइल आर फॉर्म्ड बाय, आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द प्रोसेस ऑफ weathering the process of weathering of the parent rock of the parent rock the weathering of rocks takes place the weathering of rocks takes place, the weathering of rocks takes place by either process of, by either process of, by either process of physical disintegration or chemical decomposition, physical disintegration physical disintegration integration and chemical decomposition chemical decomposition chemical decomposition of rocks, ठीक है। तो क्या है formation soil की, कैसे हुई है, ये process है, weathering process है, जो parent rock का weathering process होता है, ठीक है, उससे हमारी जो soil है formed होती है। तो ये process जो है या तो physical disintegration होगी या chemical decomposition होगा rock का,
का, ठीक है। तो दो तरह से जो जो सोइल है वो फॉर्म्ड हो सकती है। तो हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये है, जो हमारी सोइल है, इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक। इट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, जो फ्रीजिंग जो वाटर है उसकी वजह से फोर्सेस जो क्रिएट होती हैं उसकी वजह से, तो ये फिजिकल इंटीग्रेशन होता है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन कब होता है? जब फिजिकली क्या हो, जो हमारे रॉक है किसी कारण से, जो हमारे टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या एक्शन ऑफ रूट्स की वजह से या अप्रेजल की वजह से क्या होती हैं, जो सोइल का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो इसके कारण क्या, इसको हम मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है ये जान लेते हैं, ओके। तो सबसे बड़ा जो कारण है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का, वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से कैसे होगा? अगर हम बात करें, रॉक्स इज इन ए नेचुरल एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो बहुत सारे जो हमारे रॉक्स हैं वो एक नेचुरल एग्रीगेट है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज मिनरल्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन हर एक मिनरल का अलग होता है। तो उसमें क्या है, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ये मिनरल क्या करते हैं, या तो एक्सपेंड करेंगे या वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अनइक्वली। तो अनइक्वली जब ये मिनरल क्या होंगे, थर्मल एक्सपेंशन इनका अलग अलग होने की वजह से ये मिनरल क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं या एक्सपेंड करते हैं अनइक्वली, तो उससे क्या होगा, क्रैक्स आएंगे, ठीक है। तो क्रैक्स जो आएंगे वो रिपीटेड एक्शन होता रहेगा ये वाला, तो एक डेवलपमेंट हो जाएगी स्ट्रेसेस की। तो स्ट्रेसेस की डेवलपमेंट होने की वजह से ये जो रॉक है वो एक पार्टिकल में सेपरेशन होने जाएगा, एक पार्टिकल उसका क्या होना चाहिएगा, अलग होना चाहेगा। तो इसकी जो रॉक है, जो अरेंजमेंट रहेगी वो सेपरेट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो दूसरा कारण क्या रहता है चेंज इन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का, फोर्स ऑफ द फ्रीजिंग वाटर, फोर्स ऑफ द फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर। तो फ्रीजिंग वाटर की फोर्स की वजह से कैसे होगा, तो ये भी जाने। तो वाटर एंटर्स इनटू द स्मॉल पोर एंड मिनट फिशर्स ऑफ रॉक्स एंड गेट फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट जब हमारी जो वेदर रहता है, कोल्ड क्लाइमेट के टाइम पे क्या होगा, जो रॉक्स में क्रैक्स होंगे, जो फिशर्स होंगी उसमें क्या करेगा, वाटर एंटर कर जाएगा। तो वाटर एंटर होने की वजह से, कोल्ड क्लाइमेट की वजह से वो क्या करेगा, उसमें उसका जो वॉल्यूम है क्रैक्स का वो इंक्रीज होगा, ठीक है जी। तो फ्रीजिंग होने की वजह से, ज़्यादा टाइम होने की, तो स्ट्रेसेस क्या होंगी, जब वो फ्रीजिंग होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस क्रिएट होना, डिवेलप होना शुरू हो जाएंगी। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो वेजिंग एक्शन होगा, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, जिसको हम बोलते हैं वेजिंग एक्शन। तो वेजिंग एक्शन होने की, आइस का वेजिंग एक्शन होने की वजह से जो रॉक है वो एक स्मॉल पीसेस में ब्रोक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन जहाँ पे भी, इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्शन ऑफ रूट्स की, तो एक्शन ऑफ रूट्स की वजह से भी क्या हो सकता है, एक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स की वजह से भी होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हैं, जनरली ग्रो इन द क्रैक्स एंड द फिशर्स ऑफ द रॉक्स एंड इंड्यूस स्ट्रेसेस ऑन द रॉक। यानी कि हमारी जो रूट्स हैं वो ज्यादातर क्रैक्स रहते हैं, जो हमारे माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे हमारी जो पेरेंट रॉक है उसमें जो फिशर्स रहती हैं, या जो फिशर्स होती हैं या क्रैक्स होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रीज ग्रो होना शुरू होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्सेस क्या होंगी, क्रिएट होंगी, डेवलप होंगी। तो उसकी वजह से जो हमारा रॉक है वो भी क्या होगा, स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो इनकी वजह से भी हो सकती है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। और कारण क्या रहता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन का, अब्रेजन की वजह से भी हमारी जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है वो हो सकती है रॉक की। तो होता कैसे, अब्रेजन ऑफ द रॉक अकर अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट जियोलॉजिकल एजेंसीज
लाइक वाटर विंड ग्लेशियर, तो वाटर हो विंड हो ग्लेशियर हो इनकी वजह से भी जो जियोलॉजिकल एजेंसीज हैं इनकी वजह से भी क्या होता है जो रॉक्स हैं उनका अब्रेजन होता है, ठीक है। तो द अब्रेजन एंड द सिकोरिंग एक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल, यानी कि वियर एंड टियर हो जाती है जो हमारे ड्यू टू द फास्ट मूवमेंट ऑफ द एंड रविंग एक्शन, फास्ट मूविंग होती है विंड की वाटर की या ग्लेशियर की, तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स है उसमें जो सोइल है डिसइंटीग्रेट रॉक है जो क्या होती है डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मेन कारण है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के। दूसरे अगर हम बात करते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन की, तो केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है और केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे होती है ये भी हम जान लेते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन तो ये भी एक प्रोसेस रहेगा फॉर्मेशन सोइल की फॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारी केमिकल डिकम्पोजिशन है क्या है, इट इज आल्सो नोन एज द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक। जैसे हम फिजिकल डिसइंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक। इट इज द प्रोसेस ओरिजिनल रॉक मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू मिनरल्स बाय सम केमिकल एक्शन और रिएक्शन। केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमारे जो ओरिजिनल मिनरल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं न्यू मिनरल्स में बाय द एक्शन ऑफ द सम केमिकल एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन। समटाइम्स सम सोइल फॉर्म डिड नॉट नेसेसरली हैव द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ पेरेंट रॉक, तो जरूरी नहीं है हमारी जो सोइल है वो उसमें सेम प्रॉपर्टी ही की ही सोइल हो जिसमें केमिकल एक्शन हो या रिएक्शन हो कोई, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारी सोइल रहती है उनकी अलग अलग केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोसेस रहते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन के, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन की वजह से भी क्या होती है केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकती है। और दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से हो सकती है, कार्बोनेशन की वजह से हो सकती है, ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन तो ये प्रोसेस रहते हैं इसके लिए हमारे केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए। तो अगर हाइड्रेशन की बात करते हैं तो इट इज द कॉमन प्रोसेस ऑफ रॉक डिके इन द वॉटर कंबाइंड विद द रॉक मिनरल्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल कंपाउंड। तो जो हाइड्रेशन है तो एक कॉमन प्रोसेस है रॉक डिकेइंग का, जिसमें वाटर क्या करता है कंबाइन होता है किसके साथ, रॉक मिनरल के साथ रिएक्ट करता है, उनके रिएक्शन की वजह से एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो सोइल है केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है रॉक का, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो ये जैसे रस्टिंग होती है स्टील में रस्टिंग होती है, उसी तरह से हमारी जो रॉक है उसमें भी क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें ऑक्सीजन कंबाइन करती है रॉक मिनरल के साथ, तो और एक केमिकल डिकम्पोजिशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इसमें ऑक्सीजन क्या करती है रिएक्ट करती है किसके साथ, मिनरल के साथ, जो रॉक मिनरल्स हैं, अलग अलग तरह के रॉक मिनरल्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के रॉक के लिए सोइल में, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या होता है हमारा वाटर रिएक्ट करता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है मिनरल के साथ, और कार्बोनेशन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमोसफेयर में है वो हमारी क्या करती है मिनरल के साथ रिएक्ट करती है, और जो कार्बोनिक और इसमें जो रॉक मिनरल्स हैं इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हमारी जो सोइल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे जो सोइल है आगे जो फॉर्मेशन होने के बाद कौन कौन सी सोइल होती हैं, ट्रांसपोर्टेड सोइल क्या होती है, रेजिडुअल सोइल क्या होती है, आगे ट्रांसपोर्टेड सोइल के फर्दर क्लासिफिकेशन क्या रहती है, रेजिडुअल सोइल की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या रहती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।